पांडास। बेटा इन द प्रीवियस क्लास आपको बताया गया था कि पांडास में जो डाटा स्ट्रक्चर होता है वो टू टाइप्स का होता है, सीरीज और डाटा फ्रेम। सीरीज क्या है? वन रो वन डायमेंशन सीरीज होती है। डाटा फ्रेम जब आपका टेबुलर फॉर्म में होता है, टू रोज होती है तो डाटा फ्रेम। तो आज हम पाइथन के पांडास के प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे कि राइट आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल पांडास में पांडास से ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो आपने ओपन स्पाइडर, यहाँ पे आपने कमेंट सेक्शन में लिखा प्रोग्राम प्रोग्राम टू क्रिएट सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग द पाइथन सीक्वेंस। क्लियर है बेटा? अब आपको जैसे नमपाई की फाइल इंपोर्ट करते थे, इसी तरह से पांडास की फाइल इंपोर्ट करनी है। आपने क्या लिखा? इंपोर्ट इंपोर्ट पांडास पांडास एस पीडी। पीडी क्या? आपका अलाइस नेम पांडास के लिए। उसके बाद एक सीरीज ले लिया आपने, एस वन सीरीज इक्वल टू पीडी पीडी डॉट, जैसे आप लिखते थे नाम पाई, इसी तरह से पीडी डॉट सीरीज। सीरीज का एस कैपिटल आएगा क्योंकि पाइथन आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। सीरीज में आपने ले लिया 4, 6, 8, 10। उसके बाद आपको इस सीरीज को प्रिंट करवाना है तो स्क्रीन में आपने लिख दिया प्रिंट सीरीज ऑब्जेक्ट। सीरीज के ऑब्जेक्ट आपने स्क्रीन ले ली और फिर उसको प्रिंट करवा दिया प्रिंट एस वन। इस फाइल को आपने सेव और रन किया। जब आप इस फाइल को रन कर रहे हैं तो आपके पास पांडास की सीरीज क्रिएट हो गई नंबर 4, 6, 8, 10। आप इसमें देखेंगे जो हमारा नम पाई था या लिस्ट थी उसमें लिस्ट आती थी, इंडेक्स नंबर नहीं आते थे, पर जब पांडास में आप सीरीज को प्रिंट करवाते हैं तो आपके इंडेक्स नंबर सामने शो होते हैं। तो इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3 आ गए और इसका डाटा टाइप इंटीजर 64। आप इंडेक्स नंबर को यूजर की नीड के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। ये डिफरेंस है पांडास और आपका नमपाई या लिस्ट से आप डाटा जनरेट करवाते थे। पांडास में आप इंडेक्स नंबर अकॉर्डिंग टू योर नीड आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो क्लियर है बेटा ये प्रोग्राम? आप सीरीज में आप जरूरी नहीं कि नंबर ही ले, आप किसी करेक्टर की भी सीरीज जनरेट कर सकते हैं। तो करेक्टर की सीरीज जैसे जनरेट करनी है तो आप क्या लिखेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे ले लिए आपकी सीरीज में क्या आ जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग है, करेक्टर लेंगे तो स्ट्रिंग में आएंगे। आप सिंगल कोट्स या डबल कोट्स कोई भी डाल सकते हैं, एच कॉमा ओ कॉमा आई ले लिया आपने और सीरीज सब्जेक्ट और इसको प्रिंट करवा। यहाँ पे देखो एरर है क्योंकि हमने ये वाली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज नहीं की। अब इसको आपने रन कर दिया। जब आपने रन किया तो ये ऑब्जेक्ट सीरीज के ऑब्जेक्ट आ गए एच ओ आई और इसके इंडेक्स नंबर 0, 1, 2। लेटर और नाम इंडेक्स नंबर अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंज करना भी आपको सिखाएंगे। आप फॉर एग्जाम्पल एक अनदर एग्जाम्पल लेंगे बेटा, जैसे आप आपको याद है कि आप लिस्ट जनरेट करते थे,
तो आपको लिस्ट से कैसे पांडा सीरीज जनरेट करनी है वो बताती हूँ मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल आप क्या करते थे, इंपोर्ट इंपोर्ट numpy as np, और पांडास कर रहे हो तो इंपोर्ट पांडास एस पी डी। क्लियर है? उसके बाद आप एक डाटा ले रहे हैं, एन ए ले लिया आपने फॉर एग्जाम्पल, आपने बेटा ले लिया एक एन डी इक्वल टू नंपाई डॉट, उसको अरेंज किया, अरेंज करते थे ना आप, अरेंज 3.13 3.5। क्लियर है? और प्रिंट कर दिया आपने इसको, एनडी को प्रिंट कर दिया। क्लियर है? उसके बाद आपने एक सीरीज ले ली एस वन इक्वल टू पांडास डॉट सीरीज, सीरीज ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट में क्या दिखाया आपने उसको, एनडी, एनडी को प्रिंट कर रहे हैं और इसको सीरीज को प्रिंट कर दिया एस वन। अब इसको सेव एंड रन, इसका नेम दे दिया आपने nd.py, और प्रोग्राम को रन किया। रन में बेटा आपने जब यहाँ लिखा था 3 to 13, अरेंज करते थे ना हम डाटा 3 to 13 गैप स्टेप वैल्यू, ये क्या थी 3.5 स्टेप वैल्यू, इट मीन्स फर्स्ट वैल्यू लेगा आपका 3, सेकेंड वैल्यू आ जाएगी 6.5, नेक्स्ट वैल्यू 6.5 में 3.5 का स्टेप वैल्यू ऐड कर दी 10 आ जाएगा, और इसके इंडेक्स नंबर आ गए आपके 0, 1, 2, 3। तो यहाँ से एक आपका नंपाई अरेंज हो गया, नंपाई में देखो ऐसे आ गया आपका लिस्ट 3, 6.5, 10, और आपने इसका पांडे जनरेट कर दिया। और पांडास जब आपने पांडास की सीरीज जनरेट की तो इसका इंडेक्स नंबर 0, 1, 2 आ। तो क्लियर है बेटा ये आपका कि आप नंपाई से कैसे सीरीज जनरेट कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? थैंक यू।